नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। तो ये पास्ता बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। ये पास्ता बनाने के लिए जो है, हमें एक बड़ा कटोरा जितना जो है 150 ग्राम के आसपास ये पास्ता लिया है, और हमने दो अलग अलग शेप का जो है पास्ता लिया है। एक ये नॉर्मल आता है वो लिया, और उसमें नीचे जो है ट्विस्टेड वाला है। उसके अलावा यहाँ पर हमने नमक लिया है, ऑयल लिया है, और मटर के दाने लिए हैं, और हमने यहाँ पे कैप्सिकम जो है उसको काट लिया है, गाजर को काट लिया छोटे टुकड़ों में, मैदा लिया है ये इसका यूज़ करके हम सॉस बनाएंगे, दूध लिया है उसका यूज़ करके हम सॉस बनाएंगे, काली मिर्च है उसको कूट लिया है, और यहाँ पे हमने जो है वो क्रीम लिया है फ्रेश, और बटर लिया है, और हमने पानी लिया है। तो इसको बनाने की प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। हम चालू कर देते हैं और इसके अंदर पानी डाल देंगे। पास्ता जो है वो अच्छे से डूब जाना चाहिए अंदर, हम पानी डालेंगे। तो अगर आपके पास बड़ा बर्तन है उसको आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें, नहीं तो पास्ता जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, 1 चम्मच उसका। पानी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। पानी में हवा आना शुरू हो चुका है तो इसमें पास्ता हम डाल देते हैं। इसको जो है 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगा नीचे से। अब जो है हम क्या करते हैं कि एक साथ दो चीज़ करेंगे, पास्ता है उसको हम दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देते हैं, और वहाँ पे वो जब तक उबलेंगे तब तक ये यहाँ पे हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं, और पास्ता को जो है हम चलाते रहेंगे जिससे कि वो चलेगा चले नहीं। मक्खन डाल देते हैं, और
इसमें जो है गाजर के टुकड़े जो है वो डाल देंगे। और इसको गैस को थोड़ा स्लो करके इसको हम थोड़ी देर के लिए कटने के लिए ढक देते हैं, क्योंकि गाजर जो होते हैं वो सख्त होते हैं, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास तक चलाते रहेंगे। जो है इसके अंदर हम मटर का दाना डाल देते हैं। शिमला मिर्च को भी आप डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें ब्रोकली डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, फ्रेंच बीन्स डाल सकते हैं, आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है उसमें डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। और इसको जो है 1 मिनट के ढक देते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन जो निकल जाएगा। और साथ ही साथ में पास्ता को यहाँ पर हम चलाते रहेंगे, जिससे कि हम उसे झलना शुरू ना हो जाए।
मतलब जो है वेजिटेबल्स हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो इसको बंद कर देते हैं और इसको जो है थोड़ा साइड में ले लेंगे। देख सकते हैं कि पास्ता जो है ऑलमोस्ट पक चुका है, इसको जो है छान लेंगे। साइड में रखकर अब जो है हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, इसके लिए एक और बर्तन यहाँ पर लगा देते हैं और अब जो है इसको शुरू कर देते हैं। और इसके अंदर मक्खन डाल देंगे, इसको अच्छे से पिघला देंगे और मैदा है 3 चम्मच जितना वो डाल देते हैं। इसको हम हल्का सा सेक लेंगे, इसका मक्खन का कलर चेंज हो जाए तब तक। इसको स्लो रखें, बहुत फास्ट ना रखें, नहीं तो जल जाएगा मेरा जो है हमारा। तो थोड़ा और बटर डाल देते हैं, इसमें हम दूध डालेंगे, दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएगी। इसको जो है अच्छे से एकदम मिक्स करें चलाते हुए। तो यहाँ पे जो है हमने इसको कॉन्स्टेंटली चला के आप देख सकते हैं कि ये थिक जो है वो सॉस जैसा बना लिया है। और अब जो है यहाँ पे इसके अंदर हम काली मिर्च डाल देंगे, जो वेजिटेबल्स हमने सेक के रखे थे फ्राई करके उसको डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस के अंदर। जो है हमारे जो पास्ता है उसको भी हम डाल देते हैं।
इसको जो है बहुत ज़्यादा तो पकाना नहीं है, नहीं तो ये हार्ड हो जाता है। फटाफट सब चीज़ों को मिक्स कर दें और गैस को जो है वो बंद कर देंगे हम। चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम भी डाल सकते हैं। जो है इसको स्लोली बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने फटाफट जो है वाइट सॉस पास्ता बना लिया है। इसके जो है रेडीमेड पाउच भी आते हैं इसको इस सॉस को बनाने के लिए, पर इसको जो है घर पे हम आसानी से बना सकते हैं और ये हमको जो है एकदम फ्रेश मिलेगा। तो हो सके तो आप जो है वो इसको घर पे बना के ही ट्राई करें, तो ये आसानी से बन भी जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारा जो है बेहतरीन पास्ता बना है, तो इसको आप ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आता है।